नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। कहते हैं कि जब फलदार वृक्ष फल लगता है तो उसके अंदर बहुत विनम्रता आ जाती है, सहजता आ जाती है और वह लोगों को फल के साथ साथ छाया भी देता है। आज यही मनोदशा भारतीय जनता पार्टी का है। जैसे पूरे देश के विदेशों में मोदी जी भारत का परचम फहरा रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी के उस प्रयास को कहाँ पहुँचा रहे हैं, ऐसा तब देखने को आया जब नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित देहरादून भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, में जन्मदिन के सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे तो जो घटना वहां घटी, उस घटना ने यह दर्शा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज शीर्ष पे भले हो, लेकिन उत्तराखंड देहरादून के कुछ ऐसे माननीय हैं जो उनके उस प्रयास को असफल करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचते हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वार पे जब फीता काटने का दौर चलता है, जिस तरह से टिहरी की सांसद के साथ आप कह सकते हैं कि धक्का मुक्की होती है और वह धक्का मुक्की करने वाला भारतीय जनता पार्टी तरह से टिहरी की सांसद नाराज होकर के उसे डांटती हैं और नॉनसेंस कहती हैं, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भले कितना प्रयास कर ले, लेकिन उसके लोग उस प्रयास को सफल होने नहीं देना चाहते। इसी दौर का एक मुद्दा और हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। जब प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए प्रदेश के अध्यक्ष अजय भट्ट सामने आते हैं, प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत सामने आते हैं, बनाए जिस तरह से पीछे कर दिया जाता है और उनकी जगह पे पूर्व महानगर फीते को काटते हैं, तो ये भी दर्शाता है कि जो महामंत्री होनी चाहिए, क्या इन पूर्व पदाधिकारियों के पास भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का एक स्लोगन है, चाल चरित्र और चेहरा, जिसके आधार पर देश के विदेशों में भारतीय जनता पार्टी एक पहचान बना ली है। लेकिन उत्तराखंड में रह रह के उनके माननीय जिस तरह की हरकत करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनके अंदर भी सरलता सहजता आएगी और भारतीय जनता पार्टी के इस स्लोगन को चरितार्थ करेंगे।